हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्मार्ट में। दोस्तों ये एलजी का फ़ोन है। दोस्तों एलजी का आपका कोई भी फ़ोन हो, अचानक उसमें टच काम करना बंद कर दे, अचानक डिस्प्ले पे ग्राफिक आना बंद कर दे, अचानक माइक स्पीकर रिंगर तीनों एक साथ काम करना बंद कर दे, तो आपको क्या करना है दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊँगा आपको क्या करना है। इसमें आपको वॉल्यूम अप बटन और जो है पावर बटन, दोनों बटन को एक साथ आपको प्रेस करके रखना है। दोस्तों लगभग 10 सेकंड तक आप लगातार प्रेस करके रखोगे तो आपका फ़ोन रिबूट होगा। दोस्तों तो चलिए, आपको ये वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन दोनों बटन को आपको प्रेस करके लगातार रखना है। उसके बाद आपका जो है एलजी का लोगो आएगा, रिबूट होगा आपका फ़ोन। उसके बाद आपको यहाँ पे रिबूट सिस्टम नाउ का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे रिकवरी मोड में जाएगा, तो यहाँ पे आपको रिबूट सिस्टम नाउ पे आपको जो है पावर बटन को प्रेस कर देना है। दोस्तों तो चलिए पावर बटन को प्रेस कर देंगे, उसके बाद आपका फ़ोन जो है रिबूट और रिस्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों तो कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक हमारे मोबाइल में टच काम करना बंद कर देता है, अचानक डिस्प्ले पे ग्राफिक आना बंद हो जाता है, अचानक माइक स्पीकर रिंगर तीनों एक साथ काम करना बंद कर देता है, यानी अचानक आपसे मोबाइल में कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, हैंगिंग प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन को एक बार रिबूट और रिस्टार्ट करना है। रिबूट और रिस्टार्ट करने के लिए आपको वॉल्यूम अप बटन और जो है पावर बटन दोनों बटन को लगातार 10 से 15 सेकंड तक लगातार प्रेस करके रखोगे, उसके बाद आपका फ़ोन रिबूट और रिस्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके मोबाइल में जो भी हैंगिंग प्रॉब्लम रहेगा, जैसे अचानक आपका टच काम करना बंद कर देना, अचानक जो है डिस्प्ले पर ग्राफिक आना बंद हो जाना, तो ये सब आपका सही हो जाएगा। कोई भी हैंगिंग प्रॉब्लम रहेगा तो 100% सही हो जाएगा। दोस्तों तो यहाँ पे देख लीजिए, हमारा जो है टच काम करना शुरू कर दिया है। तो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों